डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आज हम पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्थिव एकता के सिद्धांत को अंतर संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर संबद्धता से तात्पर्य है कि पृथ्वी के विभिन्न भाग, विभिन्न तत्व परस्पर अंतर संबंधित हैं। इसे क्रियाशीलता के सिद्धांत का पूरक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न तत्वों में क्रियाशीलता होने पर ही अंतर संबद्धता स्थापित हो पाती है। यह सिद्धांत भौगोलिक एकता के दर्शन पर आधारित है। भौगोलिक एकता अर्थात पार्थिव एकता से तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है। पृथ्वी के विभिन्न भाग, विभिन्न तत्व परस्पर अंतर संबंधित हैं, संयुक्त हैं और पूरी पृथ्वी पर एक समान भौतिक नियम क्रियाशील रहते हैं। पार्थिव एकता का सिद्धांत भी सार्वभौमिक सिद्धांत है, शाश्वत है। पार्थिव एकता के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि सभी तथ्य या प्रत्येक तथ्य निरंतर क्रियाशील रहता है। विभिन्न तथ्यों में क्रियात्मक संबंध पाए जाते हैं। किसी भी तथ्य का हम अलग से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, अपितु उसका पूर्ण रूपेण अध्ययन करने के लिए हमें अन्य तथ्यों को भी समझना आवश्यक है। अर्थात पृथ्वी के सभी तथ्यों में, सभी तत्वों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी भी प्रदेश में जलवायु, मृदा, वनस्पति, उच्चावच और अन्य कई कारक आपस में अंतर संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की है, अतः यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति का पाया जाना, मृदा में बलुई तत्व की प्रधानता, पवन निर्मित स्थलाकृतियों का पाया जाना परस्पर अंतर संबद्धता को प्रकट करता है। मकानों की छतें चौरस होती हैं, अधिकांश लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सभी तत्व जो हैं परस्पर अंतर संबंधित हैं। स्टूडेंट्स, पार्थिव एकता के संबंध में विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें हम कुछ प्रमुख भूगोलवेताओं के विचारों का अध्ययन करेंगे। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा, मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। अर्थात रेटजेल का मानना था कि मानव भूगोल के जितने भी दृश्य हैं, जितने भी तथ्य हैं, उन्हें हम पार्थिव एकता के माध्यम से ही समझ सकते हैं। प्रोफेसर ब्लाश ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में कहा, समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि प्रमुख भूगोलवेताओं ने पार्थिव एकता के सिद्धांत में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। प्रोफेसर ब्रुंज ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में पार्थिव एकता के सिद्धांत को अंतर संबद्धता का सिद्धांत कहा और उन्होंने कहा, प्रत्येक भौगोलिक तथ्य का संपूर्ण अध्ययन अंतर संबंध को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। अर्थात हम किसी भी भौगोलिक तथ्य का पृथक पृथक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अब यदि हमें उसका संपूर्ण अध्ययन करना है, पूर्ण रूपेण अध्ययन करना है, तो विभिन्न तथ्यों से उसकी अंतर संबद्धता को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिकी भूगोलवेता हंडिगटन महोदय ने पार्थिव एकता के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भौतिक वातावरण के सभी तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और भौतिक वातावरण मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। स्टूडेंट्स, हमने हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि भौतिक दशाएं जो हैं मानवीय प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। उनका मानना था मानव निष्क्रिय न होकर क्रियाशील प्राणी है, अर्थात वह भी अपने वातावरण के साथ में क्रिया करता है और प्रकृति और मानव के बीच एक गतिज संतुलन पाया जाता है। हम्बोल्ट महोदय ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में कहा, संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा और एक ही जीव के दर्शन होते हैं। स्टूडेंट्स, हम्बोल्ट महोदय के कथन से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण प्रकृति में एक ही आत्मा और एक ही जीव अर्थात पार्थिव एकता के हमें दर्शन होते हैं। सभी तथ्यों में परस्पर अंतर संबद्धता पाई जाती है और एक तथ्य को अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए हमें दूसरे तथ्य का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो परस्पर अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार
पार्थिव एकता का सिद्धांत मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत है, और पार्थिव एकता के सिद्धांत के सहारे ही हम मानव भूगोल के तथ्यों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगले ई लेक्चर में हम वातावरण समायोजन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।